आज से हजारों साल पहले इंसान काफी अलग दिखाई देते थे। उनके शरीर पर बहुत अधिक बाल होते थे। मुंह का जबड़ा बड़ा हुआ करता था। वे गुफाओं में रहते थे, सर्वाइवल के लिए शिकार किया करते थे। लेकिन आज इंसान बिल्कुल अलग दिखते हैं। एक आम जेंटलमैन अच्छे कपड़े पहनता है, गुड लुक्स के लिए बालों और बियर्ड को ट्रिम रखता है, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और उनका IQ लेवल भी पहले के इंसानों के मुकाबले अधिक होता है। लेकिन आखिर ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? कैसे मानव सभ्यता इतनी अधिक विकसित हो पाई है? पहले के इंसानों में और आज के इंसानों में क्या क्या फर्क आए हैं? और भविष्य में इंसान किस तरह से विकास करेंगे और दिखने में वे आज के इंसानों से कितने अलग होंगे? इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आज से लगभग 3 साल पहले ग्रेट एप्स से हमारे पूर्वज इंसान में तब्दील होने शुरू हो गए। उस समय इंसानों के शरीर पर बाल काफी अधिक होते थे। उनकी एक छोटी सी पूंछ होती थी। धरती पर सर्वाइव करने के लिए उन्हें काफी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। धीरे धीरे इंसानों के दिमाग का विकास हुआ और उन्हें गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। गुफाओं में रहने से उन्हें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने में मदद मिलती थी। उन्होंने आग का आविष्कार किया। मौसम की मार से बचने के लिए पत्तों से अपना शरीर ढकना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अपना पेट भरने के लिए वे रोजाना शिकार पर जाया करते थे और जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए धारदार हथियार और पत्थरों का इस्तेमाल आदि मानव किया करते थे। और इस तरह से धीरे धीरे इंसानों का इवोल्यूशन होता रहा। एक समय ऐसा आया जब इंसान इतने समझदार हो गए कि उन्होंने पूरी सभ्यता का ही निर्माण कर लिया। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसके साथ ही सिंधु घाटी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता भी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इंसानों ने पक्के घर बनाना शुरू किया। व्यापार की समझ उनमें विकसित हुई और इस तरह से लगातार इंसानों में बदलाव देखे गए। कहा जाता है कि धरती की सभी प्रजातियां समय के साथ बदलती रही है। जैसे लाखों साल पहले के इंसान और आज के इंसान बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। लेकिन यदि पिछले 2 से 3 हजार साल पुराने इंसानों और आज के इंसानों की तुलना की जाए तो उनमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। जब से इंसानों ने कपड़े पहनना शुरू किए हैं, शरीर पर बाल कम होने लगे हैं। शारीरिक संरचना में तो कोई खास बदलाव पिछले कुछ हजार सालों में देखने को नहीं मिला। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि मानव सभ्यता का विकास जैसे रुक गया, यानी अब इंसानों में इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं, फिजिकल इवोल्यूशन के अलावा मेंटल इवोल्यूशन भी होता है। और हम पिछले 2 से 3 हजार सालों की बात जो कर रहे हैं उसमें इंसानों ने मेंटल इवोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया है। मेंटल इवोल्यूशन के कारण ही आज इंसान इतनी तरक्की कर पाया है। आज इंसान को धरती के अलावा पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी है। चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक करोड़ों लाइट ईयर्स दूर की चीजों के बारे में इंसान को पता है। ब्लैक होल तक की मिस्ट्री को वैज्ञानिक सुलझा चुके हैं। इंसान का IQ लेवल पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत तेजी से बढ़ा है। इसी कारण दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ। आज इंसान अपने क्रिएटिविटी के कारण ही पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज के समय में इंसानों में इवोल्यूशन नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में आज भी इंसानों का इवोल्यूशन जारी है। लगातार इंसानों के जीन्स और DNA में बदलाव हो रहे हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि यदि इंसानों में इवोल्यूशन हो रहा है तो वो नजर क्यों नहीं आ रहा। कोई भी म्यूटेशन होने में कई सालों का वक्त लगता है। आज आप पानी के अंदर 1 या 2 मिनट तक ही अपनी सांस रोकने में सक्षम है। लेकिन फिलीपींस में बाजाऊ नाम की एक जनजाति पाई जाती है जो पानी के नीचे 13 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। यहाँ के लोग सदियों से खाने की तलाश में समुद्र की गहराइयों में गोते लगाते आए हैं और इसी वजह से उन्हें काफी देर तक अपनी सांस रोकनी पड़ती है। और धीरे धीरे अब वहाँ नई पीढ़ी के अंदर कुछ इस प्रकार के बदलाव हो गए हैं जिससे वो आसानी से 12 से 13 मिनट तक पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकते हैं। एक और इवोल्यूशन साउथ अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला के उत्तरी हिस्से में हो रहा है। यहाँ पर मौजूद पानी में एसिडिक केमिकल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और ये मात्रा इतनी ज्यादा है जिसे नॉर्मल इंसान पी ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन नॉर्थ एंडीज में रहने वाले लोग पिछले सैकड़ों सालों से यही पानी पी रहे हैं और उन्हें इस पानी से कोई नुकसान नहीं हो रहा। ऐसा उनके अंदर जीन्स और DNA में बदलाव के कारण ही हो रहा है। आज पूरी दुनिया में एड्स एक भयंकर बीमारी मानी जाती है और इसका इलाज वैज्ञानिक अभी तक नहीं खोज पाए। अक्सर देखा जाता है कि एड्स बीमारी से पीड़ित लोगों की जिंदगी काफी दुखदायी होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका सहित कई अफ्रीकी देशों में देखा जा रहा है कि एड्स से पीड़ित लोग भी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यानी एड्स का उनकी हेल्थ पर कोई खास फर्क नहीं देखने को मिल रहा और वे आम लोगों की तरह ही एक हेल्दी लाइफ जीने लगे हैं। ये सब इंसानों में इवोल्यूशन का कारण ही संभव हो पाया है। अब बात करते हैं आने वाले समय में इंसान कैसे होंगे। भविष्य में इंसान के शरीर में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में इंसान की पैर की उंगलियां गायब हो सकती है, क्योंकि असल में पैर की उंगलियों का इस्तेमाल इंसान बहुत ही कम करते हैं। हमारे पीछे एक टेल बोन होती है जो आने वाले कुछ 100 वर्षों में शरीर से हमेशा के
लिए हट जाएगी। हमारे बाहर के कानों का आकार छोटा और गोल हो सकता है। हाथों और पैरों पर बाल कम होने की संभावनाएं भी है। केवल सिर, दाढ़ी, मूंछों, पलकों और कुछ अन्य स्थानों पर ही बाल रह पाएंगे। शरीर के अंदर अपेंडिक्स भी गायब हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि धीरे धीरे इंसानों की हाइट छोटी होने लग जाएगी, क्योंकि अब इंसानों को लंबी हाइट का कोई काम नहीं रहा। उन्हें ना तो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने हैं और ना ही शिकार करना है। ये तो इंसानों के शारीरिक इवोल्यूशन की बात हुई। अन्य बदलावों की बात करें तो इंसान जल्द ही अंतरिक्ष में कोई ऐसा ग्रह की खोज कर सकता है जहाँ इंसान रह सकते हैं। इंसान इतनी तरक्की कर लेगा कि स्पेस में जाना आना इंसानों के लिए एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करने जितना आसान होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आने वाले समय में इंसान एलियन जैसे दिखने लगेंगे, और एलियन एक समय पर हम इंसानों जैसे ही होते थे, लेकिन एलियन की प्रजाति ने आज बहुत अधिक विकास कर लिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में वातावरण में बदलाव के कारण हमारी स्किन का कलर भी चेंज हो जाए, जैसे आज दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों की स्किन का रंग डिफरेंट है। तो दोस्तों, इस तरह से हजारों लाखों सालों से इवोल्यूशन की प्रक्रिया जारी है और भविष्य में भी ये निरंतर जारी ही रहेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।